दोस्तों लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग का दौर लगातार चल रहा है और आप देख सकते हैं सुमिता सिंह जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं करनाल विधानसभा से वो यहां पर ज्वाइनिंग करवाते हुए आप देख सकते हैं किस प्रकार से पटका पहनाकर सभी को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवा रही है। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों लाइव तस्वीरें देख लीजिए, सुमिता सिंह के द्वारा लगातार कांग्रेस पार्टी में जो ज्वाइनिंग है वो करवाई जा रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पटका पहनाकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाते हुए आप देख सकते हैं सुमिता सिंह को। भारी संख्या में जो लोग हैं वो हर रोज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे उसमें पार्षद हों, पूर्व पार्षद हों या फिर अन्य जो लोग हैं वो अपनी वो जो है अपनी आस्था कांग्रेस पार्टी में दिखाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो कार्यक्रम है ज्वाइनिंग के वो लगातार चल रहे हैं। अपील करूंगा वीडियो को साथ की साथ शेयर जरूर करें। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर होती हुई आप देख सकते हैं। सुमिता सिंह सभी को पटका पहनाकर यहाँ पर जो है ज्वाइन करवाते हुए दिखाई दे रही हैं। किसे ज्वाइनिंग करवाई गई है आज? मैम किसे किसे आज ज्वाइनिंग करवाई गई है? भारी संख्या में लोग लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। अभी मेरे एक पत्रकार भाई ने अभी अंदर मेरे से पूछा था कि जी भाजपा वाले बोल रहे हैं कि ड्रा और धमका कर लोगों को ज्वाइन कराना चाह रहा है। पहले तो आप इनसे पूछ लीजिए कि क्या इनको ड्रा के धमका के ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ भाई साहब कैसे हो? भाई साहब विनोद भाई कैसे हो? वेलकम वेलकम भाई साहब। क्या कहेंगे लगातार ज्वाइनिंग चल रही है? लोग पिछले 10 साल से भाजपा सरकार से तंग थे, परेशान थे, किसी का काम नहीं हो रहा था, शहर का विकास नहीं हो रहा था। हमारे शहर के अंदर जो कानून व्यवस्था है आप देख रहे हैं किस प्रकार से खराब हुई हुई है, और तो और सरकारी जो सेक्रेटेरिएट के अंदर चोरियां हो रही हैं आज तक पकड़े नहीं गए। लोगों को जो है रैंसम कॉल्स आ रही हैं, पैसे मांगे जा रहे हैं, लोगों के घरों के बाहर पुलिस बैठी है। तो इसलिए लोग परेशान थे, कोई उनको सुन नहीं सकता। वो उन्हें तस्वीरें देख सकते हैं एक बार फिर से एक बड़ी ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी में हो रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सुमिता सिंह है। सुमिता सिंह के साथ आप देखिए यहाँ पर एक बार फिर बड़ी ज्वाइनिंग होते हुए एक बार जानना चाहेंगे आखिर कौन कौन आज जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार बातचीत जरूर करेंगे। दोस्तों लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार ज्वाइनिंग का दौर जारी है। सुमिता सिंह जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं और अब आप देख सकते हैं और अब कांग्रेस का पटका पहनाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर जयप्रकाश गुप्ता जो कि पूर्व मंत्री हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी का स्वागत यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार फिर से ये देखिए ज्वाइनिंग होते हुए लगातार ज्वाइनिंग हो रही है। अब एक बार बातचीत जरूर कर लेते हैं कि एक बार क्या कुछ कहना चाहेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं सभी को ज्वाइनिंग कराई जा रही है। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं सुमिता सिंह ज्वाइनिंग करवाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और जब से कांग्रेस पार्टी ने सुमिता सिंह को टिकट दिया है लगातार कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग का दौर लगातार जारी है। कई पार्षद, कई पूर्व पार्षद और कई नेता जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी और आप देख सकते हैं अभी भी जो ज्वाइनिंग का दौर है वो लगातार यहां पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुमिता सिंह सबको पटका पहनाकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवा रही हैं। दोस्तों देख सकते हैं सुमिता सिंह लगातार सभी को पटका पहनाकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवा रही हैं और आप देख सकते हैं एक बार बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ कहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज किसको? अरे भैया पहले दिन तो थोड़ा सा पीछे दो मिनट प्लीज मिस्टर साहब का दो मिनट स्वागत निकल। मैं पिछले 13 साल से बीजेपी से MC हूँ। अब पिछले 5 साल से मेरी और मेरे वर्करों की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और किसी भी तरह के कोई काम नहीं हो रहे थे। सेक्टर 6 मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार की मंजूरी लेके
इस पार्टी में शामिल होया हूँ ता जो उनके जो रुके हुए काम है वो हो सके, जो मेरे वार्ड आठ के काम है वो हो सके। बैंड सुमता सिंह के साथ हमारा पिछला 30 साल का संबंध है, उसी संबंध को देखते हुए उधर काम नहीं है और बैंड सुमता सिंह ने हमारे को ये आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह के काम होंगे और हम आपके सेक्टर 6 के सेक्टर अपना वार्ड नंबर 8 के जो भी काम होंगे हम सबसे पहले आपको सम्मान देंगे और आपका काम करेंगे। पिछले 13 साल से या 2 या 3 बार MC बनने के बाद जब वो बिछड़ता है उस परिवार को छोड़ता है, दुख तो मेरे को भी है, दुख मेरे साथियों को भी है, दुख लीडरों को भी है। आज हमारे भाई यश मित्तल जी, यशपाल मित्तल जी जो कई बार के पार्षद हैं सेक्टर 6 से, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और हमारे को इनके हमारे साथ लगने से हमें भी इनकी मजबूती मिली है और आगे हम इनको पूरा मान सम्मान और इज्जत देंगे। और लोग भी आगे शामिल हो सकते हैं। हाँ, अभी बाहर कुछ लोग खड़े हैं, अभी हम उनको वो दयानंद कॉलोनी से अभी उनको ज्वाइन कराएंगे। कल जगमोहन आनंद कह रहे थे कि जैसे कांग्रेस कर रही है ऐसा कभी हुआ नहीं है राजनीति में। कर रही मतलब क्या कर रही? गलत तरीके से ज्वाइनिंग करवा रही। आप पूछिए इनको, बताइए मित्तल जी, पूछिए। एक और आरोप लगा रहे हैं जगमोहन आनंद की, उनके कार्यक्रम रोके जा रहे हैं फोन कर करके कार्यकर्ताओं को। हमने किसी कार्यकर्ता को फोन नहीं किया, सरकार उनकी है, सरकार उनकी है, हमारा प्रेशर कैसे पड़ सकता है? जो पार्षद ज्वाइन किया उनको वापस लेकर आएंगे। उससे ये तो तय हो गया है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार चाहती है और जिस तरह से पिछले 10 साल के अंदर इन्होंने MC से लेके आम जन तक इन्होंने इग्नोर किए हैं उसका ये नतीजा निकल रहा है कि क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हुई है। अगर क्योंकि जो MC होता है, जो पार्षद होता है, वो आम जन से उसका जुड़ाव होता है, जब आम जन के काम ही नहीं होंगे तो वो क्या करेगा? जब काम करने की बारी आती है तो हाथ खाली होते हैं, जब उनके पास बीजेपी की जो सरकार के लोग हैं सरकार के पास जाया जाता है तो जब काम ही नहीं करवा पाते तो निश्चित तौर पे ये तो तय है कि फिर हमें पार्टी बदलनी पड़ेगी। उसी तरह आज हमारे भाई यशपाल मित्तल जी ने पार्टी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की है और ये इनको आश्वस्त करते हैं कि जो आगामी टाइम होगा, आगामी समय के अंदर जब सरकार बन जाएगी, निश्चित तौर पे जैसा ये चाहते हैं करनाल के जन जन को ये राहत पहुंचाना चाहते हैं और इनका ये मकसद है कि करनाल के लोगों के काम हो, करनाल की डेवलपमेंट हो, उसी नाते इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और ये पूरा विश्वास दिलाते हैं इनको मान सम्मान भी मिलेगा और इनको जो उचित पद है वो भी मिलेगा और इनके जो काम जो इन्होंने लोगों के करवाने हैं वो भी काम इनके कर। कोई विकास नहीं हुआ और इतनी बेरोजगारी, हमारे बच्चे टंकी के माध्यम से देश छोड़ छोड़ कर बाहर जा रहे हैं, कोई पहुंचता है कोई नहीं पहुंच पाता है, तो लोग परेशान थे, अब उनको होप मिली है कि भी हाँ अब ये सब खत्म होगा और कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार जो है अब जनता की सरकार है, कांग्रेस की सरकार जनता की है, जनता के बीच में रहने वाले उनके नुमाइंदे हैं और मैं वायदा करती हूँ इन सभी को जो हमारे परिवार में नए जुड़ रहे हैं, जो पुराने जुड़े हैं, कि आपका पूरा मान सम्मान और इज्जत होगी। आज अभी ये मेरी बहन सपना है, इसके नेतृत्व में ये हमारे जिनके प्राइवेट एम्बुलेंसेज हैं, सारे जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं उन सभी ने जो अलग अलग पार्टियों से, उन्होंने आज हमें समर्थन दिया और पार्टी ज्वाइन की है। और भाई यशपाल मित्तल जी जो पूर्व पार्षद है सेक्टर 6 से, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। मैं तहे दिल से आभारी है, हम आभारी हैं उनका कि इस समय में जब हमें उनकी जरूरत थी वो आए हैं और हमें मजबूती मिलेगी इन सभी के आने से जितने आए हैं। ऐसा जन समर्थन मिल रहा है लगातार लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं बीजेपी वालों ने, और बीजेपी वालों ने आज उनको काफ़ी परेशान किया, आने नहीं दिया उनको, पर वो नहीं माने, बड़े दिलेर भाई हैं हमारे ये सारे। मैम भाजपा बार बार जगमोहन आनंद भी है और भी कह रहे हैं कि दबाव की राजनीति करके हमारी तो सरकार ही नहीं है, अब आप इनसे पूछिए अभी आए हैं
हम कहीं इनको किसी गाड़ी में कोई दबाव नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता संबंधित नहीं है, कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं निरंतर और एक भी काम कार्यकर्ता का नहीं करते। जितनी नौकरियां मैडम ने 10 साल में बिना खर्चे और पर्ची के दी है, इतनी हरियाणा में नहीं दी हूँ। वो क्या कह रहे हैं, सुनो वो क्या बोले, ये यूथ है, हमें कास्टिज्म में उलझाया, हमें सारी चीज उन्होंने करवाई है, उनके डर से हमने बीजेपी ज्वाइन करी थी, अब हमारे मैडम जी आए हैं तो इसलिए हम कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं कि हमें पता है कि आप हमें डरने की जरूरत नहीं है। कितनी ज्वाइनिंग हो चुकी है आप सबके सामने है, अभी हमने तो गिन ही नहीं पाए, अनगिनत हमारे भाई सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं। इतनी ज्वाइनिंग हो चुकी है उसकी गिनती नहीं हो रही, और आपको आपको 5 तारीख को वोट डलकर 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि भारी बहुमत से यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई है और बहन जी भारी बहुमत से जीत कर आएंगी करनाल की जनता के आशीर्वाद से। बिल्कुल आप देख अपने विचार रखे हैं और सभी ने बड़े संक्षिप्त तरीके से आपको बताया है, लेकिन आज मैं अपने भाइयों की तरफ से एक बात कहना चाहती हूं कि ये हुंकार है उस परिवर्तन की और ये हुंकार है उन उम्मीदों की जो पिछले 15 साल से करनाल वनवास काट रहा था। वो समय आ गया, वो समय आ चुका है जब मैडम विधायिका बनेगी और कैबिनेट में मंत्री भी बनेगी और युवाओं को बाहर विदेशों में नहीं जाने दिया जाएगा, यहीं पर लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए रोजगार दिया जाएगा। ऐसे क्योंकि मैडम ने पहले भी 10 साल निस्वार्थ भाव से बिना पर्ची बिना खर्ची के सेवा की है। मैं सिर्फ 17 साल की थी जब मैडम के साथ आई थी और आज भी मैडम के साथ उपस्थितियाँ जो मर्जी रही हूँ हम मैडम के साथ थे हैं और रहेंगे। मैम सुमिता सिंह देख सकते हैं यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाई गई है, सुमिता सिंह को आप देख सकते हैं, सभी जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ज्वाइन किया। अपील करूंगा वीडियो को शेयर करें, कमेंट कर अपनी राय दें।